हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मॉम। इंडियन और चाइनीज़ बनाने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट करा कि आई शुड ट्राई इटालियन नाउ। तो आज मैं इटालियन में वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर डिश है। पर्सनली मैं इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा लेती हूँ, बिकॉज़ इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एज इसमें वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स डलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, और इसमें मैं व्हीट पास्ता यूज़ कर रही हूँ। सो लेट मी टेक यू थ्रू द इन्ग्रीडियंट्स। दिस इज़ द ऑलिव ऑयल दैट आई एम यूजिंग। यू कैन टेक एनी ऑलिव ऑयल। दीज आर 3 कैरेट्स। दिस इज़ 1 होल ब्रोकली, लाइक 350 ग्राम्स। दिस इज़ 500 ग्राम्स ऑफ मशरूम चॉप्ड। दिस इज़ 1 होल रेड बेल पेपर। दिस इज़ 3 बिग बोल्स ऑफ व्हीट पास्ता। दिस इज़ द कार्बोनारा सॉस दैट आई एम यूजिंग। दिस इज़ सॉल्ट। दिस इज़ ऑरिगैनो दैट आई विल बी यूजिंग इन द रेसिपी। एंड दिस इज़ हाफ गार्लिक चॉप्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। अब मैंने इस बर्तन में ऑलिव ऑयल डाल दिया है। ये 2 बिग टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। अब मैं इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड करूँगी। और गार्लिक को हम 2-3 मिनट्स के लिए स्टेयर करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर कैरेट डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, गार्लिक को स्टेयर करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ग्रेटेड कैरेट डालूंगी। कैरेट एक बहुत अच्छा फाइबर है, और एज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, व्हीट पास्ता है ये, तो इसके अंदर जितने भी हम मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे ही फाइबरस और फुल ऑफ विटामिन हैं। इसको आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज गाजर अब इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम 5 to 7 मिनट स्टेयर करेंगे ताकि ये थोड़ी पक जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 होल ब्रोकली। सारी वेजिटेबल्स को ऑन एवरेज हम 3 to 4 मिनट देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और पास्ता में अच्छा फ्लेवर दें। अब ब्रोकली को हम 2 to 3 मिनट्स स्टेयर करेंगे, टॉस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये हाई फ्लेम पर बना रही हूँ, तो इसको आप कॉन्टीन्यूसली स्टेयर करते रहिएगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो वेजिटेबल्स डलेंगी वो होंगी बेल पेपर और मशरूम्स। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि जिस भी वेजिटेबल ने अपना पानी छोड़ना हो वो भी छोड़ दे, और वो अभी स्टेयर करते करते हम पानी वो उड़ जाए। अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि सारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएं। और आप जैसे कि देख सकते हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ सो मैनी वेजिटेबल्स, तो ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनता है। लास्ट में हम इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी ऐड करेंगे। फाइव मिनट सॉटे करने के बाद अब इसके अंदर मैं फ्यूजली पास्ता डालूँगी। ये मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब इसके अंदर कार्बोनारा सॉस
ऐड कर रही है। अब इसके अंदर मैं मार्क्स एंड स्पेंसर्स का ग्रेटेड शेदार एंड मोजरेला चीज़ डालूंगी। ये अबाउट 1.5 कप ऐड करेंगे। और इसके अंदर अमेरिकन स्वीट कॉर्न, और इसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम इकट्ठा स्टीयर करेंगे। अब स्टीयर करने से पहले इसके अंदर अबाउट 1.5 स्पून ऑफ ऑरिगैनो डालेंगे। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप सॉल्टी कर सकते हैं इसको। और अब हम इसको 2 to 3 मिनट तक स्टीयर करेंगे, जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कट एंड फोल्ड करिए, उससे आपकी फ्यूजली पास्ता जो है वो ब्रेक नहीं होगा। जब भी आप इसको स्टीयर करें, जैसे कि मैं कर कर दिखा रही हूँ आपको, आप इसको कट एंड फोल्ड करिए। अब इसको आप 2-3 मिनट्स तक स्टेयर करें। फ्रेंड्स, अब ये हमारा पास्ता तैयार हो चुका है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, सिंस पास्ता हमने पहले बॉईल कर लिया था। और इसके अंदर आप जो चाहें वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जैसा भी टेस्ट है। चाहे कोई भी कैप्सिकम डालिए, टोमेटो डालिए, जैसा भी आपको पसंद है। और इट्स वेरी हेल्दी टू ईट, इसको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। हाँ, चीज़ ज़रूर डाला है, बट इट्स फॉर द टेस्ट बर्ड्स। सो ट्राई करिए, अपने घर पे बनाइए, एंड डू लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट और हाउ डज इट टेस्ट। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय, थैंक यू।